अगर आप भी अपने YouTube पे चैनल बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी अपने YouTube पे चैनल बना सकते हैं। चैनल बनाने से लेकर के वीडियो अपलोड करने तक मैं सब कुछ आपको लाइव करके दिखाऊंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, चैनल कैसे बनाना है शुरू से और फिर उस पर वीडियो कैसे अपलोड करना है, वो सारे ट्रिक मैं आज के वीडियो में आपको बताऊँगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अपने चैनल का एक नाम सोच लेना है, कुछ भी आप जो भी अपने चैनल का नाम रखना चाहते हैं उस नाम से पहले आपको एक ईमेल आईडी बना लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए, तो जो भी आप अपने चैनल का नाम रखना चाहते हैं फ्रेंड्स, पहले उस चैनल को आप चेक कर लें कि उस चैनल के नाम का कोई और चैनल है या नहीं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये ऐसा चेक करने के लिए फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल के यूट्यूब को यहाँ से ओपन कर लें। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सर्च आइकन है फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्च आइकन में यहाँ पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। जो भी आप अपने चैनल का नाम सोचे हैं फ्रेंड्स वो आपको चेक करना है। तो देखिए, जैसे मैंने अपने चैनल का नाम रखा है सपोर्ट डट मज़ेदार शायरी, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ से इसे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको कैसे चेक करना है कि इस नाम का कोई और चैनल है या नहीं, इसके लिए आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फ़िल्टर का, तो आपको यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स टाइप ऑल, तो ये टाइप ऑल वाले एरो ऑप्शन पे आपको यहाँ से क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चैनल वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको चैनल वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे मिलेगा अप्लाई का, तो आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है। और जैसे ही फ्रेंड्स आप अप्लाई कर देंगे तो उस नाम के जितने भी चैनल होंगे यहाँ पे आ जाएगा सारा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे जो है मज़ेदार शायरी, RBKS, बिजनेस शायरी, जो भी इस तरह के मज़ेदार से नाम से शुरू है वो सारा चैनल यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स। तो देखिए, सिर्फ यहाँ पे एक चैनल है मज़ेदार शायरी के नाम से, जो 10 वीडियो इसने अपलोड करके रखे हैं, और बाकी मज़ेदार शायरी के नाम से एक भी हमको चैनल नहीं दिख रहा है। तो आप ऐसे करके कोई भी, आप जो भी चैनल का नाम रखना चाहते हैं एक बार उसको पक्का चेक कर लें फ्रेंड्स। इसमें क्या होगा, जैसे आप कोई भी, आप जब चैनल बनाएंगे तो जब कोई सर्च करेगा आपके चैनल को तो वो एक बार में आ जाएगा, अगर उस नाम से कोई और चैनल नहीं होगा तब। और अगर पहले से उस नाम से चैनल रहेगा और आप फिर बनाएंगे तो जब कोई सर्च करेगा तो आपका चैनल सर्च में नहीं आएगा, जो पहले से बना रखा है उसका चैनल सर्च में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं मज़ेदार शायरी के नाम से एक चैनल बनाता हूँ और आपको लाइव बना के दिखाता हूँ, और इस पर कैसे वीडियो अपलोड करना ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं यहाँ से अपने होम बटन को आ जाता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपके अपने मोबाइल के नेट को यहाँ से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू टैब ले लेना है। न्यू टैब लेने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से आपको एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना है, जिस नाम से आप अपना चैनल खोलना चाहते हैं उसी नाम से आपको एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम ईमेल आईडी को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स क्रिएट ईमेल आईडी। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब आप लिख देंगे क्रिएट ईमेल आईडी, तो यहाँ पे सर्च कर देंगे। तो सर्च करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो आ गया है ऑप्शन क्रिएट ईमेल आईडी, तो ये सबसे ऊपर वाला अकाउंट को हम यहाँ से टच कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको क्रिएट ए अकाउंट का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है फ्रेंड्स क्रिएट एन अकाउंट का। और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड अकाउंट टू डिवाइस, तो आपको यहीं पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद फिंगरप्रिंट मांग रहा है, तो जो आपके मोबाइल का फिंगरप्रिंट है वो आपको दे देना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है क्रिएट अकाउंट का, तो आपको यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे देना है फॉर माई सेल्फ के लिए फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको फर्स्ट नाम देना है और लास्ट नेम देना है, तो आपको याद रहे आपको वही नाम देना है जो आप अपने चैनल का नाम सोचें फ्रेंड्स। तो चलिए मैं अपने चैनल का जो भी नाम सोचा हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ आपको फ्रेंड्स, देख लीजिए जो मैंने पहले ऊपर में लिख दिया मज़ेदार और नीचे लिख दूंगा शायरी, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। आपका जो भी फर्स्ट नाम होगा ऊपर लिख देंगे और जो सेकंड नेम होगा उसको नीचे लिख देंगे, अगर एक नाम होगा तो आप केवल ऊपर लिख देंगे फ्रेंड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसको यहाँ से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डाल देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है जेंडर का, तो आपको जेंडर पर क्लिक करना है। और आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं आप यहाँ पे
इसको क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं मेल में से यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको नेक्स्ट का, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको उस नाम से 3 ईमेल आईडी दिखा देगा, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं और चाहे तो फिर अलग से भी ले सकते हैं। तो इसमें 3 जो ईमेल आईडी है अवेलेबल दिखा रहा है, तो इसमें से जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं 2 ईमेल आईडी और चाहे तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है mazedarshayari@gmail.com, तो मैं यही ले लेता हूँ फ्रेंड्स, और ये इजीली भी है, तो मैं इसे यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो हम इसे यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड कर देना है फ्रेंड्स, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक पासवर्ड को क्रिएट कर देता हूँ। और पासवर्ड डालने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे यस आई एम इन का ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसको आपको यहाँ पे टच कर देना है। तो टच करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपका जो ईमेल आईडी है बन के तैयार हो चुका है आपके चैनल के नाम से। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसे ऊपर की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन है, आपको आई एग्री यहाँ से कर देना है। सो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, हमारा ईमेल आईडी बन चुका है। सो फ्रेंड्स अब आपका जो है ईमेल आईडी बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद कोने में जो आपको 3 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू टैब ले लेंगे। न्यू टैब लेने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो प्रोफाइल दिख रहा है आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो भी आपका यहाँ पे दूसरा ईमेल आईडी है वो वाला ईमेल आईडी जो आपने अभी क्रिएट किया था उसको यहाँ से ले लेना है फ्रेंड्स। लेने के बाद ये यहाँ से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पे जो मैंने बनाया था वो यहाँ पे आ गया है। इसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है डेस्कटॉप साइट का, तो आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है, और इस तरह से ये डेस्कटॉप मोड में आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो एम दिख रहा है, जो प्रोफाइल दिख रहा है, आपको इस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको जो है फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिएट ये चैनल का एक ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए ये सबसे ऊपर में, तो आपको ये क्रिएट ए चैनल पर क्लिक करना है। क्रिएट ए चैनल पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो मज़ेदार शायरी है जो आपको नाम दिया है, देखिए ये नाम सही है, आप एक बार यहाँ से चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद यहाँ से फिर से क्रिएट ए चैनल पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो कस्टमाइज दिख रहा है फ्रेंड्स देख सकते हैं कस्टमाइज चैनल, आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स, तो आपको यहां से क्या करना है इसे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स इसे जो ये क्लोज दिख रहा है हम इसे यहां से पहले क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देख लीजिए आपको जो एक ऑप्शन दिख रहा है ब्रांडिंग का, तो आपको यहाँ पर ब्रांडिंग पर क्लिक करना है। ब्रांडिंग पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ सबसे पहले जो है आपको एक यहाँ पर प्रोफाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप चाहे तो यहाँ पे आप अपना फ़ोटो भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, और चाहे तो पिक्चर भी बना सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक फ़ोटो डाल देता हूँ, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे एक प्रोफाइल बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी प्रोफाइल बना देता हूँ, और बना के दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे आपको प्रोफाइल बनाना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी इसको रिसेंट बटन पे क्लिक करके इसे यहाँ पे ले आता हूँ, और इसके बाद मैं सबसे पहले फ्रेंड्स एक प्रोफाइल पिक बना लेता हूँ। प्रोफाइल पिक बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ से एक काइन मास्टर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ, और इसी ऐप से मैं आपको और बाकी जितने भी चीज़ें सब आपको इसी ऐप से बताऊँगा, और कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं इस फ़ोन को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देता हूँ, और इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये 16:9 है, यहाँ से फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो इमेज का
है फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वाइट कलर ले लेना है। वाइट कलर लेने के बाद आपको यहाँ पे जो कट का निशान है कट कर देना है। कट करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। इसके बाद इसको आपको इस साइड लेके चले आना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक लेयर ले लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये जो लेयर का ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको इस लेयर पे टच करना है। टच करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है टेस्ट में। तो टेस्ट में जाने से पहले फ्रेंड्स देख लीजिए, मैं यहाँ लेयर पे जाके जो एक इफेक्ट का ऑप्शन है फ्रेंड्स, इस इफेक्ट को ले लेता हूँ, ताकि इससे मैं मदद हो जाएगा ये बीच में सेंटर में। इसके बाद ये शेप्ड मास्क का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर ये सर्किल रोटेट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इसको जो है हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, और बड़ा करने के बाद इसको बिल्कुल बीच में एडजस्ट कर देंगे। बीच में एडजस्ट करने के बाद फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे फिर से हम लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन है, तो आपको टेस्ट पे क्लिक करना है। और टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपने चैनल का नाम डाल देना है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको इसे थोड़ा सा यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रेड कलर या जो भी कलर आपको पसंद लगता है वो कलर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ रेड कलर ले लेता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर दूंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये रेड कलर में हो गया है। फिर इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसे इस टाइप से कर देंगे, तो ये मज़ेदार हो गया फ्रेंड्स। और इसके बाद जो ये टच किया हुआ फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे कोने में जो थ्री डॉट है इस पर हम क्लिक करेंगे और ये डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद फ्रेंड्स इसको जब हम नीचे करेंगे तो ये दो हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, तो इस एडिट पे आपको क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इसको यहाँ से आपको कट कर देना है और यहाँ पे लिख देना है जो आपका सेकेंड नाम है, शायरी SHA। तो फ्रेंड्स आपके चैनल का जो नाम है आप वही लिखेंगे, मैं जो चैनल का नाम रख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ। इसके बाद ओके कर देंगे फ्रेंड्स और फिर इसको हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से हो जाएगा ये कुछ, और आप इसका फिर कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चलिए फ्रेंड्स मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ और फिर यहाँ से ओके कर देता हूँ, तो ये ब्लू कलर में हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बना दिया, नॉर्मल बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। इसके बाद आपको जो भी ये सिलेक्ट रहेगा फ्रेंड्स, इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ग्लो का, तो ग्लो पे क्लिक करना है और इसे यहाँ से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है ताकि ये थोड़ा सा जो देखिए ये थोड़ा सा चेंज हो गया और इसमें थोड़ा सा चमक आ जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें जो है थोड़ा सा चमक आ गया है। और इसको थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा हम नीचे रख देंगे फ्रेंड्स इस तरह से। और फ्रेंड्स ये जो है इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ से नीचे कर देते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से आप अपने हिसाब से इसे सेट कर लेंगे फ्रेंड्स, आपको जैसा अच्छा लगता है। तो मैं अगर इतना ईजी से थोड़ा आराम से करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा हो जाए। और फिर इसमें भी हम थोड़ा सा शाइनिंग दे देते हैं फ्रेंड्स। तो शाइनिंग देने के लिए यहाँ पे जो ग्लो का ऑप्शन है हम यहाँ पे ग्लो पे क्लिक करेंगे और ग्लो पे क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर देंगे। और फिर इसे हम यहाँ से कलर चेंज करना चाहेंगे तो ग्रीन दे देते हैं, ताकि इस तरह का कुछ ऑप्शन दिखेगा, जो ऊपर वाला है कुछ अलग दिखेगा, या फिर और भी कलर है आप वो दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से ब्लैक दे के देखता हूँ कैसा लगता है, ये भी सही नहीं लग रहा है। तो इस तरह से आपको जो भी कलर यहाँ पे दिखता है फ्रेंड्स आप वो ये कलर यहाँ पे दे सकते हैं। तो शायद येलो ही ठीक लग रहा है तो मैं यहाँ पे येलो ही दे देता हूँ इस तरह का कलर। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेयर पे जाना है। और लेयर पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ टेस्ट पे क्लिक करना है। टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लिखना है एम और फिर जे, जो आपका सेकेंड नाम है चैनल का, एम जे शॉर्ट नेम। और मैंने इसको इस तरह से लिया फ्रेंड्स और इस तरह से बड़ा करके फिर इसको कलर पे गया और यहाँ पे ब्लू कलर कर दिया, ताकि ब्लू कलर सबसे ज़्यादा दिखता है फ्रेंड्स। तो देखिए मज़ेदार शायरी का जो शॉर्ट फॉर्म है ये आ गया MJ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये मैंने बहुत जल्दीबाजी में बना रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। इसके बाद फिर से आप लेयर पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हैंड राइटिंग का ऑप्शन है, तो आप हैंड राइटिंग पर क्लिक करेंगे। हैंड राइटिंग पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ये एरो का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये इस टाइप का जो सीधा लाइन है आपको यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक यहाँ से लाइन थोड़ा सा खींचना है ऐसा वाला फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ से ओके कर देना, आपको अभी लाइन नहीं दिख रहा होगा लेकिन चलिए ये जो हैंड राइटिंग है आपको यहाँ पर टच करना है। टच करने के बाद देखिए यहाँ पर ये आ गया है फ्रेंड्स, इसको आपको यहाँ से क्या करना है थोड़ा सा इस टाइप से कर देना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा रोटेट करके इस तरह से करना है कि थोड़ा सा अच्छा लगे, और फिर इसे यहाँ से ओके कर देते हैं। तो देखिए आप कैसा लगता है हम दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो ये एम जे जो है थोड़ा सा डिजाइन हो गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कोने में आपको यहाँ पे दिख रहा है एक स्क्रीन शॉट का बटन, इसे स्क्रीन कैप्चर कहते हैं, तो हम इसे यहाँ से क्लिक कर देंगे। और देखिए यहाँ पे कैप्चर एंड शेप का ऑप्शन आ गया, फिर इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो है मज़ेदार शैली का जो मैंने प्रोफाइल है मैंने काइन मास्टर से क्रिएट कर दिया है। अब इसे मैं क्या करूँगा, रिसेंट बटन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर से फ्रेंड्स अब हम वहीं चले जाएंगे जहाँ पहले थे, फिर यहाँ से हम इस पेज पे आ गए फ्रेंड्स। तो देखिए इसी पेज पे थे, और आपको जो यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन है यहाँ पे अपलोड पे आपको क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ब्राउज पे जाना है, और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद जो फोटो आपने बनाया था फ्रेंड्स, देखिए ये वाला बनाया था हमने, तो इसको आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद देखिए ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, तो आपको चाहे तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने इसे बना दिया जल्दीबाजी में, फिर आपको कैसा ठीक लगता है आप अपने हिसाब से क्रिएट कर लेंगे। और फिर मैं इसे यहाँ से डन कर देता हूँ। तो डन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स इस तरह से कुछ बन के आ गया मेरा मज़ेदार शायरी। और फिर आप चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सेकेंड में जो है आपको यहाँ पे अब बैनर बनाना है फ्रेंड्स, जो कि आपको बैनर क्या होता है हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल हम अभी आपको बैनर बना के दिखाते हैं कि बैनर बनता कैसे, और फिर ऐसे किसे कैसे इसे अपलोड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स ये भी हम दिखाई देते हैं आपको। इसके बाद फिर से हम यहाँ पर इसे रिसेंट बटन पर क्लिक करते हैं, और फिर से चलते हैं फ्रेंड्स काइन मास्टर में। काइन मास्टर में जाने के बाद फ्रेंड्स हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम इसे बैक कर लेंगे, और बैक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से फिर से जाएंगे क्रिएट ए न्यू पे। तो क्रिएट ए न्यू पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 16:9 का रेशियो लेना है, और फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वाइट बैकग्राउंड ले लेना है। वाइट बैकग्राउंड लेने के बाद फ्रेंड्स आपको कट कर देना है। कट करने के बाद फ्रेंड्स इसको इस साइड लेके आना है, और यहाँ पे आपको एक लेयर देना है फ्रेंड्स, जो आप कलर में देना चाहते हैं फ्रेंड्स, जिस कलर में रखना चाहते हैं उस बैकग्राउंड को आप चाहे तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं कोई भी एक बैकग्राउंड यहाँ से ले लेता हूँ। इसके लिए मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमने जो भी ले कर रखा है लेयर को, वो एक ले लेता हूँ यहाँ से। तो चलिए हमें जो भी अच्छा लगता है मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझे, तो मैं इसको यहाँ से फिर बड़ा करके फुल स्क्रीन पे कर दिया फ्रेंड्स इस तरह का। इसके बाद फिर से क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से आपको यहाँ पर लेयर में जाना है फ्रेंड्स, और लेयर में जाने के बाद यहाँ फिर से मीडिया में जाना है। और मीडिया में जाने के बाद मैंने एक डाउनलोड करके रखा है फ्रेंड्स, ये आपको हम लिंक में दे देंगे, वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये क्या चीज़ है। देखिए फ्रेंड्स यही है वो बैनर बनाने के लिए ये वाला पिक मैंने डाउनलोड किया था, और ये कैसे डाउनलोड करना ये हम आपको बता देंगे वीडियो के लास्ट में फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसको यहाँ से क्लिक कर लेते हैं फ्रेंड्स, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इसको क्या करना है, यहाँ से टच करना है फ्रेंड्स, और टच करने के बाद इसको यहाँ से फुल फ्रेम में इसे यहाँ से फ्रेंड्स इसको सेट कर देना है। तो ये फुल फ्रेम में सेट हो गया फ्रेंड्स। अब आपको ध्यान रहे कि जो आपका जो ये बीच वाला जितना काला ऑप्शन है इतना ही आपके बैनर में दिखेगा, और ये बाकी का जो पार्ट है ये नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड्स और जो बाकी जो ये सेकेंड वाला ऑप्शन देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल से बना रहे हैं तो सिर्फ ये काला काला ऑप्शन में ही जो भी करना होगा आप करेंगे यही दिखेगा, और अगर आप टैबलेट से बना रहे हैं तो फिर आप ये सेकेंड वाला ये वाला और ये दोनों ऑप्शन के बीच में जो है इस इतने के अंदर में बनाएंगे, और अगर लैपटॉप में बना रहे हैं तो ये बीच वाला पूरा ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम मोबाइल में बना रहे हैं, तो इसको यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लेयर में जाना है। और लेयर में जाने के बाद फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पे टेस्ट पे जाएंगे, और टेस्ट पे जाने के बाद अपने चैनल का नाम लिख देंगे मज़ेदार शायरी।
तो फ्रेंड्स हमने अपने चैनल का नाम लिख दिया है, फिर इसे यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ टेस्ट पे जाएंगे फ्रेंड्स, और टेस्ट में जाने के बाद इसमें से जो आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो नॉट सेरी बोल्ड है ये हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं इटैलिक का, तो हम इसे यहाँ से टच कर लेते हैं फिर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आप इसे बढ़ा देंगे जितना आप बढ़ाना चाहते हैं, नॉर्मली हम दिखा रहे हैं फ्रेंड्स आपको। और इसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे जो ये कलर का ऑप्शन है आपको यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे हम रेड कलर का ले लेते हैं, आपको जो लेना है ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसको यहाँ से बढ़ा दिया, आपने देख लिया यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में बना रहा हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने अपने चैनल का नाम दे दिया जो कि चैनल में अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और इसके बाद फिर से हम लेयर पर क्लिक करेंगे, और लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया में जाएँगे, और फिर डाउनलोड में जाकर के यहाँ से हम अपने YouTube का एक लोगो दे देंगे फ्रेंड्स, ये भी आपको Google से मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये जो YouTube है, YouTube PNG है, हम ये YouTube PNG को यहाँ से डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो YouTube PNG है फ्रेंड्स, ये इसको हम यहाँ से ऐसे थोड़ा छोटा कर देंगे, लेकिन ये ऐसे फ्रेंड्स छोटा करके थोड़ा सा और छोटा कर देंगे ताकि ये यहाँ एडजस्ट हो जाए, और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ताकि ये जब बड़ा होगा तो दिखेगा। और इसके बाद फ्रेंड्स इसको बीच में एडजस्ट कर देंगे थोड़ा सा, मज़ेदार शायरी YouTube। जी हाँ फ्रेंड्स आपने देख लिया मैंने इस तरह से सेट कर दिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, जो मैंने ये वाला जो लेयर जो मैंने सेलेक्ट किया था फ्रेंड्स, आपको यहाँ से दिख जाएगा ये वाला लेयर जो मैंने जो लाइनिंग वाला दिख रहा है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। देखिए यहाँ से जैसे डिलीट करेंगे फ्रेंड्स ये इस टाइप का कुछ दिखेगा, ये बीच में आ गया फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट बीच में, और ये बिल्कुल दिखेगा आपको। इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको यहाँ से इस पर टच करना है, और टच करने के बाद यहाँ से आपको इसमें जो भी आप कलर में थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, इसके यहाँ पर ग्लो पर क्लिक करेंगे, यहाँ ओके कर इनेबल कर देंगे, और इनेबल करने के बाद इसमें और कोई दूसरा कलर ले लेंगे फ्रेंड्स क्योंकि पीला पहले से, और फिर इसको यहाँ से ऐसे क्लिक कर देंगे, ये थोड़ा सा अलग दिखने लगेगा फ्रेंड्स। तो देख लीजिए ये इस कलर में आ गया। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, इसको करना है तो थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं करना है नहीं तो फिर ये दिख सेंटर में नहीं रहेगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्क्रीन शॉट का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहीं से स्क्रीन शॉट लेकर कैप्चर एंड सेव कर देना है फ्रेंड्स। तो ये मैंने बैनर बना दिया, एक ही ऐप से मैंने बैनर भी बनाया, और यही ऐप से मैंने प्रोफाइल भी बना के आपको दिखाया था कि कैसे बनाना है फ्रेंड्स। इसके बाद हम रिसेंट बटन पे फिर से क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको हम फिर से ले जाते हैं यहीं पे जो हमने जहाँ अपलोड करना था फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर हमें बैनर अपलोड करना था, तो हम यहाँ से अपलोड पर क्लिक करेंगे, और अपलोड पर क्लिक करने के बाद जो फ़ोटो हमने बनाया वही फ़ोटो को हमें फिर से सिलेक्ट करना है, तो ब्राउज पे ले लेना है फ्रेंड्स। और ब्राउज पे लेने के बाद देखिए ये वाला मैंने अभी बनाया था तो इसको मैंने यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए ये एक्यूरेट ले लिया है फ्रेंड्स, और यहाँ से डन पे क्लिक कर देंगे। तो डन पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बैनर मेरा लग चुका है, आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब का बैनर लग चुका है। उसके बाद जो यहाँ पर फ्रेंड्स है अपलोड वाटर वीडियो वाटर मार्क, आप यहां से वाटर मार्क भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो वाटर मार्क डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स जो मेरा प्रोफाइल है उसी तरह का हम यहां पे भी लगा देते हैं। तो चलिए अपलोड वाटर मार्क पर क्लिक करते हैं, और जो प्रोफाइल में हमने लगाया था वही यहां पे भी हम डाल देते हैं। तो ये वाला हमने यहाँ से ओके कर दिया फ्रेंड्स, और इसको यहाँ से डन कर देते हैं। ये वाटर मार्क क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपका वीडियो चलता रहेगा तो आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन दिख रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहा है। सबसे नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है इंटायर वीडियो, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से डन कर देना है। इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, जब आपका कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो ये वाला जो आपका प्रोफाइल है ये लास्ट तक मतलब आपके डिस्प्ले पर रहेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने आपको तीनों चीज़ दिखा दिया फ्रेंड्स, और उसके बाद बेसिक इन्फो में यहाँ पे क्लिक करना है, बेसिक इन्फो आपको तो यहाँ बेसिक इन्फो पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, और आपको अपने चैनल के बारे में कुछ भी लिख देना फ्रेंड्स, जो भी आपका चैनल है और जिस पर्पज से बनाए वो चीज़ यहाँ पर लिख देना है फ्रेंड्स। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ ओरिजिनल लैंग्वेज जो है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हिंदी डाल देता हूँ, आपका जो भी लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश आप वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से हिंदी पे क्लिक कर दिया,
और उसके बाद आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन के बारे में जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ भी शॉर्टकट में। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांसलेटेड डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे टच करना है फ्रेंड्स, और चैनल का जो भी आपका नाम है चैनल का नाम यहाँ पे डाल देना है। इस तरह से मैंने चैनल का जो नाम था यहाँ पे मैंने डाल दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे चैनल डिस्क्रिप्शन कर देना है फ्रेंड्स, इस तरह का ऑप्शन आएगा आप देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद जो यहाँ पे आपका चैनल का जो नाम था मैंने यहाँ पे डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है तो आपको यहाँ पे टच करना है, और टच करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो भी है यहाँ पे लिखना है लिख देना है। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ मैं। तो मैंने फ्रेंड्स ऐसे ही डाल दिया यहाँ पे, बाद में मैं इसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप जो डाल दिया यहाँ पे वही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे चैनल का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कुछ भी, और कुछ भी डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अपने चैनल के बारे में आपको लिख देना है कि आप चैनल किस लिए खोले हैं और आपके चैनल पर क्या दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर फिर आपको जब लिख देंगे तो इस तरह से आपको फिर से डन कर देना है। डन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, फिर आपको वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है फ्रेंड्स, और जो आपका ये चैनल का जो है लिंक बन के आ जाएगा। ये लिंक आप चाहे तो यहाँ से कॉपी करके रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपने लिंक को पहले यहाँ से सेव कर लेते हैं। इसी लिंक से आपका चैनल फ्रेंड्स खुलेगा, और आपके चैनल का यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में अपना चैनल का नाम लिखना ही है। तो फिलहाल हम लिख देते हैं यहाँ। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, माई नेम इज कन्हैया फ्रॉम बिहार इंडिया। दोस्तों इस चैनल पर आपको हंसी मजाक लव शायरी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स लिख देंगे, और लिखने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पे आप चैनल को लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे, और आपका यहाँ पे यूआरएल हो गया फ्रेंड्स, और आप यहाँ पे अगर ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स, आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ से मैंने पब्लिश पर क्लिक कर दिया फ्रेंड्स, और पब्लिश पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये चैनल जो है आपका बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ से जो लिंक है फ्रेंड्स, इस लिंक को यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके फ्रेंड्स चलिए हम इसको व्हाट्सएप में पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ताकि मेरा चैनल यहाँ से दिख जाए। तो मैं अपने व्हाट्सएप को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ऐसे आपको लिंक को यहाँ से अपने व्हाट्सएप पर रख लेना है सेव करके। तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ जो मैसेज है यहाँ पर टच करके रखेंगे, और जो यहाँ से पेस्ट का ऑप्शन है पेस्ट कर देंगे तो ये लिंक आपका कॉपी हो जाएगा, फिर इसे सेंड कर देंगे तो ये लिंक आपका कॉपी हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से आप इस लिंक से फिर आप अपने चैनल को खोल पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरह से आप मेरा चैनल फाइनली बन के तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसे यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि चैनल बन के तैयार होने के बाद कैसा दिखता है। इसके लिए हम यहाँ से अपने YouTube को यहाँ से ओपन कर लेंगे, और YouTube को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से अपने प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है, और प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट कोई भी अकाउंट कर लेना, तो इस एरो पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए जो मैंने चैनल बनाया उस चैनल को यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद देखिए ये चैनल आपका बन के तैयार हो गया है। तो अब आप देखिए कैसा आपका प्रोफाइल दिखता है, कैसा बैनर दिखता है, इसके लिए आपको यहाँ से टच करना है, और टच करने के बाद आपको यहाँ से योर चैनल पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। तो योर चैनल पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए ये आपका यही है बैनर, जो आपने जान रहे थे कि बैनर क्या होता है, तो ये बैनर आपका ऐसा दिखेगा, और ये आपका प्रोफाइल है फ्रेंड्स जो मैंने बनाया था। तो आप देख सकते हैं ये प्रोफाइल और ऐसा बैनर बन के तैयार हो चुका है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वीडियो अपलोड करके दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। सो फ्रेंड्स आगे देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस चैनल पे वीडियो अपलोड करना है, बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे, ताकि आपका वीडियो चले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।